हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा नाम है पूजा मौर्य एंड एक हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि मैं अपने सेकंड चैनल को इंपॉर्टेंस दे रही थी इकोनॉमिक्स का वीडियो वहाँ पे डाल रही थी लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी हिस्ट्री का वीडियोज़ मुझे देना चाहिए तो लेटस स्टार्ट विद व वीडियो लेटस कंटिन्यू आई होप कि कम से कम दो दिन में एक वीडियो तो आता रहे ऐसे एक हफ्ते का गैप बिल्कुल बेकार था ठीक है सो आई एम रियली सॉरी फॉर देट लेटस कंटिन्यू देखो सबसे पहली बात ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लस जब मैं बोलती हूँ इम्पॉर्टेंट तो उसको समझना कि दीदी आप इम्पॉर्टेंट बोल रही हैं मतलब इम्पॉर्टेंट है और उसको हम स्टार मार्क कर लेंगे एग्ज़ाम में हम ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे ठीक है टॉपिक है लुई हेनरी विवियन डिरोजियो के बारे में पहली बात तो ये पूरा नाम एक बार ज़रूर याद कर लेना ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुमको लुई हेनरी विवियन डिरोजियो लिखना पड़े लेकिन कम से कम पूरे आंसर स्क्रिप्ट में एक बार स्टार्टिंग में लुई हेनरी विवियन डिरोजियो ज़रूर मेंशन करना ठीक है ये भारी भरकम नाम है लेकिन इंसान ये बड़े छोटे थे मतलब ये एजड इंसान नहीं थे बड़े ही यंग इंसान थे मतलब मेरे उम्र के हिसाब से सोच लो मतलब लिटरली इनका जो मौत होता है ट्वेंटी थ्री ईयर्स के एज में इनका डेथ हो जाता है तो बहुत ही सैड वाली बात है लेकिन बोलते ना कई लोग बहुत जल्द चले जाते दुनिया को छोड़ के लेकिन उनका जो असर है वो दुनिया में छाया हुआ रहता है बॉडी तो लोग त्याग देते हैं लेकिन उनका सोच उनका आ, लव उनके स्टूडेंट्स में अभी तक जिंदा रहा वो हमें देखना पड़ेगा लेट अस टॉक अबाउट हिम सबसे पहले जियो जी हैं ये ऑब्वियसली एक इंसान है लेकिन ये इंडियन नहीं है ये एक अंग्रेज़ थे इनके पापा पोर्तुगीज थे और इनकी मम्मी एक इंग्लिश वुमन थी ठीक है लेकिन इनके मम्मी पापा दोनों भले ही थे अंग्रेज लेकिन इंडिया में रहने लगे और इंडिया में ही अल्टीमेटली डिरोजियो पैदा हुए मतलब ऐसा इमेजिन कर सकते हो लुई हेनरी विवियन डिरोजियो के जो पापा हैं वो पोर्तुगेज़ थे और उनकी मम्मी इंग्लिश वुमेन थी दोनों ने शादी किया इंडिया में आए इंडिया में रहे और इंडिया में इनका बेटा होता है बड़ा क्यूट सा जिसका नाम उन्होंने रखा लुई हेनरी विवियन डिरोजियो मुझे नहीं पता इतना बड़ा नाम क्यों रखा बट ठीक है डिरोजियो तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि दीदी डिरोजियो दी दी जो थे अगर आप ध्यान से देखें तो ये अंग्रेज थे इंडिया में पैदा हुए थे इंडिया में इनका सब कुछ हुआ जन्म से लेकर उनका पालन पोषण सब कुछ इंडिया में ही हुआ लेकिन बोल सकते हो कि अगर इनका असलियत देखो तो ये असली में तो एक अंग्रेज़ थे ठीक है और बहुत ही छोटे उम्र से इन्हें अपने टाइम के जो रोमांटिक पोइट्स थे उनके पोएम्स पढ़ना बड़ा पसंद था अब देखो रोमांटिक सुन के बहुत सारे लोगों के दिल में तो गिटार बजना शुरू हो गया होगा देखो रोमांटिक का मतलब हमेशा उस सेंस में मत लिया करो देखो पता है तुम लोग अभी यंग हो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो तुम लोग कुछ और ही चले जा रहे हो ऐसा नहीं है रोमांटिक का यहाँ पे सिंपल मतलब है द वर्ड रोमांस डज नॉट ओनली मीन कि रोमांस बिटवीन टू पीपल इट मीन्स रोमांस बिटवीन द नेचर एंड द पीपल नेचर एंड द ह्यूमन बींग्स तुम लोगों ने देखा होगा कि रोमांटिक ये एक फीलिंग है जो नेचर के प्रति होता है कि यार कितना खूबसूरत नेचर है कितनी सुंदर वादियाँ हैं कितने सुंदर पहाड़ हैं पेड़ पौधे हैं तो दिस फीलिंग दैट यू आर गेटिंग इज बेसिकली अ फीलिंग ऑफ रोमांस ठीक है तो ऐसे काफ़ी सारे राइटर्स हुआ करते थे काफ़ी सारे पोएट्स हुआ करते थे जो कि नेचर के बारे में बड़ा लिखा करते थे और लुई हैंनरी विव्यान डिरोजो को बचपन से ही ये सारी पोएम्स को पढ़ना बड़ा पसंद था बचपन से ही पोएम्स भी लिखते थे मतलब होता है ना कि यार क्योंकि उस जमाने फोन वगैरह तो था नहीं तो उस ज़माने लोग पोएम्स पढ़ के स्टोरीज पढ़ के अपना ज़िंदगी काटते थे तो लुई हेनरी विवियान डिरोजियो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे अपने समय के रोमांटिक पोएट्स के जो भी राइटिंग्स थे उसको पढ़ के ठीक है तो जो हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ था 1817 में उसको फाइनली ज्वाइन करते हैं डिरोजियो 1826 में एज एन असिस्टेंट टीचर मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि हिंदू कॉलेज जो है ना ये कॉलेज की स्थापना करी गई थी 1817 में 1817 से ये कॉलेज चल रहा था लेकिन 1826 में जाकर लुई हेनरी विवेन डीरोजियो ने एज एन असिस्टेंट टीचर ज्वाइन किया अब देखो असिस्टेंट टीचर और टीचर में फर्क क्या होता है टीचर जो होता है ना वो पढ़ाता है किसी भी सब्जेक्ट को जबकि असिस्टेंट टीचर का मेन काम पढ़ाना नहीं होता है उसका मेन काम होता है कि जो मेन टीचर है उसको असिस्ट करना जैसे मान लो मैं पढ़ाती हूँ मैं बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में मान लो पढ़ा रही हूँ तो बहुत सारे बच्चों का ख्याल रखना है उनके डाउट्स को सॉल्व करना पड़ेगा अगर उन्हें हेल्प लगेगी कि यार इस असाइनमेंट को कम्प्लीट कम्प्लीट करने के लिए हमें टीचर की हेल्प चाहिए तो वो भी करना है तो मेरा लाइफ तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि मैं पढ़ा भी रही हूँ मैं हेल्प भी कर रही हूँ स्टूडेंट्स का डाउट भी सॉल्व कर रही हूँ तो बहुत ही हेक्टिक लाइफ हो जाएगा इसलिए मैं चाहूँगी कि मेरे अलावा एक और टीचर है जो मुझे असिस्ट करे मुझे हेल्प करे इन सब काम को ईजिली कैरी आउट करने में मतलब मैं पढ़ा दूँ कुछ बच्चों के डाउट क्रिएट हो रहे हैं तो भाई उनको ये टीचर सॉल्व कर देगा अगर इन बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क्स में हेल्प चाहिए तो ये टीचर हेल्प कर देगा मतलब मेरा काम बेसिकली हल्का करेगा उसी तरीके से लुई हेनरी विव्यान डेरोजे जो कि बहुत ही यंग थे बहुत ही छोटे उम्र में इन्होंने हिंदू कॉलेज को ज्वाइन किया था एज एन असिस्टेंट टीचर एटीन की बात है और लगभग तीन साल तक वहाँ पर ये असिस्टेंट टीचर का पोजिशन निभाते रहे लेकिन याद रखना 1831 में इनकी मौत हो गई तो जब 1831 में इनकी मौत हुई तो ये बस 23 थ्री ईयर्स के थे मतलब 23 साल अभी तक लाइफ में कुछ देखा ही नहीं था लेकिन जब ये अल्टीमेटली असिस्टेंट टीचर होने के नाते जब स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे उनके असाइनमेंट्स में मदद करते थे उनके आ, उनके डाउट्स को सॉल्व करते थे तो स्टूडेंट्स के साथ उनकी बातचीत होती थी और उसी दौरान वो स्टूडेंट्स से ऐसी ऐसी बातें करते थे कि स्टूडेंट्स लोगों का दिमाग चकरा जाता था होते हैं ना कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि आप सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है वो मत सीखो आप खुद से क्वेश्चन करना सीखो आप किसी भी चीज़ को बस कोई अगला इंसान आपको समझा दे और आप उसको रट लो ऐसा मत करो आप उस चीज़ को क्वेश्चन करो आप पूछो कि अगर ये है तो है ऐसा क्यों है आप डीप एनालिसिस करो ये बात डेरोजियो अपने स्टूडेंट्स को समझाते रहते थे तो तुम सोचोगे कि दीदी वाओ मतलब आज के ज़माने में ऐसा टीचर्स बहुत ही कम देखने को मिलता है लेकिन उस जमाने में डेरोजियो एक ऐसे असिस्टेंट टीचर के रूप में दिखाई दिए जो कि स्टूडेंट के नज़रिए में भगवान के टाइप थे क्योंकि एक एक ऐसा टीचर जो कह रहा है कि यार बच्चों से पढ़ाई पे फोकस मत करो क्वेश्चन करो तुमको हर चीज़ के ऊपर का क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है अगर हम हिंदू शास्त्र उठा ले हिंदू शास्त्र में अगर कोई चीज़ फॉलो किया जा रहा है तो क्यों फॉलो किया जा रहा है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट क्वेश्चन करो अगर जैसे मैं आज ही मम्मी मम्मी से मैं बहुत सवाल पूछा करती हूँ तो मम्मी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती है लेकिन मम्मी को पसंद है कि यार मेरी बेटी कम से कम ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है तो मैं पूछती हूँ कि मम्मी क्या ज़रूरत है घंटी बजाने की घंटी बजाने से होता क्या है तो मम्मी मुझे आंसर करती है कि वो जो वाइब्रेशन होते हैं वो काइंड ऑफ प्योरिटी को लेकर आते हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करते हैं तो मैं क्या करती हूँ मैं हर एक चीज़ के पीछे का क्वेश्चन करती हूँ उसी तरीके से डेरोजियो ने भी अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाया कि आप सोचो खुले दिमाग से आप क्वेश्चन करो सभी अथॉरिटीज़ को आई एम सॉरी मार्कर का इन ख़त्म हो गया एंड व्हाट आई एम डूइंग नो बट ठीक है आप क्वेश्चन करो सभी अथॉरिटीज़ को मतलब कि आप किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करो और जब कोई टीचर इस तरीके से बात करेगा स्टूडेंट से तो जाहिर सी बात है कि एक स्टूडेंट को लगने लगेगा यार ये तो टीचर मेरा दोस्त है और वैसे भी डेरोजियो बहुत ही यंग थे तो जैसे मैं मैं तुम लोगों की दोस्त ही तो हूँ तो तुम लोगों की दीदी ही तो हूँ जो तुम लोगों को गाइड भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत डांट भी रही हूँ थोड़ा बहुत समझा भी रही हूँ उसी तरीके से डेरोजियो भी थे ही वॉज लाइक अ फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स ही वॉज लाइक अ मेंटर मेंटर वो इंसान होता है जो जो कि तुमको गाइड करता है रास्ता सही दिखाने जो सही रास्ता है उस पर चलने के लिए तुमको गाइड करता है तो डेरोजियो भी वैसे ही थे बहुत अच्छे फ्रेंड का रोल निभाते थे अपने स्टूडेंट्स के लिए और खास करके बहुत अच्छा गाइडेंस भी प्रोवाइड करते थे और मैंने अभी जस्ट बताया कि बचपन से ही काफ़ी सारे पोएट्स फिलोसोफर्स के राइटिंग्स को वो पढ़ते रहते थे फिलोसोफर्स कुछ भी नहीं होते बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं मतलब पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ ठीक है ज्ञानी लोग होते हैं जो कि अच्छी अच्छी बातें अपने ओपिनियंस अपनी किताबों में छापते हैं और लोगों को पढ़ना वो चीज़ बहुत पसंद होता है तो उस जमाने के बहुत ही फेमस फेमस राइटर्स जैसे कि जॉन लॉक ह्यूम टॉम पेन ये उस जमाने के बहुत फेमस फिलोसोफर्स में से एक हैं इनके राइटिंग्स को पढ़ते थे अब तुम ही सोचो ना अब लगातार अब लगातार अगर तुम पोएम्स पढ़ रहे हो जिसमें काफ़ी इंस्पायरिंग बात पढ़ रहे हो तो तुम्हारे मुँह से भी वैसी ही बातें निकलेंगी जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि तुम लोग अगर अपने दिमाग में पॉजिटिव ख्यालत रखते हो तो तुम्हारे मुँह से भी पॉजिटिव बातें ही निकलेंगी तुम कभी नेगेटिव नहीं बकोगे जैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर लूँ ताकि जब मैं बोलूँ तो वो शब्द भी पॉजिटिव ही हो किसी को हर्ट ना हो मेरे शब्दों से उसी तरीके से डिरोजियो भी बचपन से बस इंस्पायरिंग पोएम्स और नेचर लविंग पोएम्स ही पढ़ते आ रहे थे इसलिए उनके शब्दों में भी ना समझ में आता था कि यार ये जो भी बोल रहे हैं बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है इस तरीके से तो डिरोजियो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान भी से भी एक थे एंड uh, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे मतलब सीधे साधे हैं किसी से झगड़ा वगैरह नहीं लेकिन हमेशा अपना ओपिनियन रखने से घबराते नहीं थे ठीक है डिरोजियो ने अपना एक डिबेटिंग सोसाइटी भी फॉर्म किया था अब डिबेटिंग सोसाइटी क्या होता है आई होप दैट यू ऑल नो वट इज अ डिबेट डिबेट बेसिकली एक कॉम्पिटिशन टाइप का समझ लो जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है उसके फॉर में कोई कोई लोग बोलते हैं उसके अगेंस्ट में बोलते हैं जैसे कि कोई भी एक टॉपिक दिया गया कि मान लो आ, जैसे मेरे टाइम पे जब मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया था तो ऐसा एक टॉपिक दिया गया था हमें कि रियलिटी शोज़ आर रियल जो जो रियलिटी शोज़ होते हैं जैसे बिग बॉस हो गया या स्प्लिट्स वेला ये सब जो आता था बेकार का शोज़ ये सारे के सारे शोज शोज़ रियल हैं जो भी दिखाते हैं वो रियल हैं तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ हाँ बिल्कुल सच है रियलिटी शोज़ आर रियल लेकिन कुछ लोग थे कि बिल्कुल भी रियलिटी शोज़ रियल नहीं होते तो इस तरीके से एक टॉपिक पे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग उससे डिसएग्री कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है डिबेट तो डिरोजो जो थे वो चाहते थे कि लोग अपना ओपिनियन रखें वो चाहते थे कि हम एक टॉपिक पेश करेंगे और हम लोगों का राय विचार समझना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं क्या वो इस टॉपिक को सपोर्ट करते हैं या उसको सपोर्ट नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक रख दिया गया वुमेन्स एजुकेशन तो कुछ लोग होंगे जो बहुत ही सपोर्ट करेंगे कि हाँ वुमेन को भी पढ़ाना चाहिए लेकिन कुछ वही लोग होंगे जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो डिरोजियो दोनों का ही ओपिनियन जानना चाहते थे कि अगर कोई इंसान सपोर्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है आखिर उसके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस क्या है कि हाँ वुमेन को पढ़ना चाहिए बिकॉज उसको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए बिकॉज उसको अपना पोजिशन सोसाइटी में स्ट्रांग करना चाहिए वहीं पर अगर कोई अगला इंसान है जो कह रहा है कि वुमेन को नहीं पढ़ना चाहिए तो वो ऐसा क्यों कर रहा है तो सबके ओपिनियंस को समझना चाहते थे डिरोजियो और इसीलिए इन्होंने डिबेटिंग सोसाइटी की भी स्थापना करी जिसका नाम था अकेडमिक एसोसिएशन 1828 में ठीक है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि टू एक्सचेंज स्ट्रांग व्यूज लोगों के आसपास अपने ओपिनियंस के एक्सचेंज हो किस किस मैटर में रिलीजियस कस्टम्स यानी जो धार्मिक परंपराएं हैं जैसे उस समय सती प्रथा वगैरह जो चल रहा था उसके ऊपर या को क्या चीज़ हमें करना चाहिए क्या बुरा है क्या गलत है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए जो हमेशा एक भेदभाव सा रहता है क्या वो होना चाहिए या जो छुआ छूत चल रहा है कि भाई जो नीचे जात के लोग हैं उनको छुओ मत उनको छूने भर से पाप हो जाता है तो ये सारे एकदम बेकार बातें हैं तो इन सबके ऊपर आइडल्ट्री एक और टॉपिक जिसमें आइडल्ट्री इज़ बेसिकली मूर्ति पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ये सारे ओपिनियंस मतलब इन सभी टॉपिक्स के ऊपर लोगों के क्या क्या डिफरेंट ओपिनियंस हैं इसी को जानने के लिए डिबेटिंग सोसाइटी की स्टेब्लिशमेंट करी थी डिरोजियो ने जिसका नाम था अकेडमिक एसोसिएशन इट इज इंपॉर्टेंट ठीक है अब याद रखना आगे भी टॉपिक में आएगा डिरोजियो के जो स्टूडेंट हुआ करते थे ना डिरोजियो के जो स्टूडेंट हुआ करते थे क्योंकि स्टूडेंट्स लोग काफी इंस्पायर हो गए थे कि वाह हमारा टीचर क्या बोल रहा है कितनी कितनी बेशुमार बातें कर रहा है कितना सच बोल रहा है कि यार सोचो खुले विचार से सोचो अपना ओपिनियन रखो ऐसा कोई भी टीचर नहीं बोलता था तो डिरोजियो के जो भी स्टूडेंट्स थे मतलब वो अब डिरोजियो को अपना भगवान समझने लगे थे तो डिरोजियो के स्टूडेंट्स को डिरोजियंस बोला जाता है होता है ना बहुत लोग जैसे बोलते हैं जैसे मेरे अकाउंट्स के सर थे जिनका सर नेम था वर्धन तो हम लोग अपने आप को बोलते थे कि हम लोग वर्धन सर के स्टूडेंट हैं वर्धनाइट्स उसी तरीके से डिरोजियो के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको बोला जाता है डिरोजियंस और कई बार उनको यंग बेंगाल भी बोला जाता है तो एग्जाम में अगर वन मार्क्स में टू मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय यंग बेंगाल या व्हाट डू यू मीन बाय डिरोजियंस तो लिख के चले आना कि बाय यंग बेंगॉल और डिरोजियंस वी मीन द स्टूडेंट्स ऑफ लुई हेनरी विवियन डिरोजियो बाई एस को हम प्रोनाउंस नहीं करते लुई हेनरी नॉट लुइस हेनरी ठीक है ओके okay. अब जरा ध्यान से समझना यंग बंगाल के बारे में थोड़ा सा सुनो यंग बंगाल कौन है डेरोजियो के स्टूडेंट्स को बोला जाता है यंग बंगाल या फिर डेरोजियंस जिसको जो बुलाना है वो बोला इनके जो स्टूडेंट्स थे ये कुछ ज्यादा ही इंफ्लुएंस हो गए मतलब कि होता नहीं कि यार अपने गुरु के बात को दिल पे ले लिए कुछ इतना ज्यादा कि भाई ये लोग अपने ही धर्म को बुरा भला कहने लग गए ये कहने लग गए कि हिंदू धर्म तो एकदम बेकार है एकदम फालतू है मतलब होता है ना कि डिरोजियो उनको ये सिखा रहे थे डिरोजियो गलत नहीं सिखा रहे थे डिरोजियो ये सिखा रहे थे कि भाई आप खुले विचार से सोचो आप हर चीज़ के पीछे का क्वेश्चन करो आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो अगर किसी चीज़ में लॉजिक नहीं है तो वो चीज़ को फॉलो मत करो अब इनके स्टूडेंट्स इस बात को एकदम दिल पर ले लिया तो हिंदू धर्म में जितनी भी फ्लॉज थी जितनी भी कमियां थी उसको उन्होंने देखा कि इनके स्टूडेंट्स ने देखा कि कोई लॉजिक ही नहीं है तो ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट होने लग गए कि हमारा धर्म बेकार है हिंदू धर्म ही बेकार है तो डिरोजियो ये नहीं चाहते थे कि कोई लोग ऐसा करने लग जाए बट अल्टीमेटली इनके स्टूडेंट्स का दिमाग भ्रष्ट हो गया आ, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे ये पहुंच गए और यहाँ पे जो हिंदू स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो जो तुम लोग जानते हो कि जनेऊ एक धागा होता है बहुत ही पवित्र धागा होता है उन्होंने उस तक को खोल के फेंक दिया कि नहीं फॉलो करना है हमें हिंदू धर्म ये वो इस तरीके का इनफैक्ट जो हिंदू स्टूडेंट्स हुआ करते थे अगर बगल से कोई ब्राह्मण आदमी निकल रहा है अब तुम तो लोग जानते हो कि ब्राह्मण हिंदू पूरे रिलीजन में सबसे ऊपर कास्ट है तो अगर कोई ब्राह्मण सामने से निकल रहा है तो ये हिंदू स्टूडेंट्स जो हुआ करते थे ये लोग चिल्ला देते थे कि अच्छा ओलो ओलो हम लोग ना बीफ खाते हैं यानी हम लोग गाय का मांस खाते हैं एंड इफ यू नो हिंदुओं के लिए गाय माता के समान होती है शी इज़ लाइक आवर होली मदर तो हिंदू लोग कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि गाय को जो है मारा जा रहा है या उसका मीट खाया जा रहा है लेकिन ये जो जिनका दिमाग भ्रष्ट हो गया था जो हिंदू स्टूडेंट्स थे ये लोग चिल्ला चिल्ला के डिक्लेयर करते थे कि हम लोग गाय का मांस खाते हैं तो सोचो अगर एक ब्राह्मण व्यक्ति जा रहा है उसके सामने तुम इस तरीके से बोल रहे हो तो बहुत ही गंदी चीज़ है अगर तुम लोग नहीं फॉलो करते हो वो बात अलग है लेकिन तुम चिल्ला चिल्ला के क्या प्रूफ क्या करना चाहते हो कि हमारा धर्म बेकार है इस तरीके का तो जहाँ पे जो हिंदू लोग होते हैं उन्हें बेसिकली पहले के ज़माने में तो ये और भी स्ट्रिक्ट हुआ करता था कि हिंदू खास करके जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें हमेशा भगवान का श्लोक या भगवान का मंत्र ये सब का ही जाप करते रहना चाहिए ये सब को ही रिसाइट करते रहना चाहिए बट ये लोग जो डिरोजियंस थे डिरोजियो के स्टूडेंट्स ये लोग इतने ज्यादा मतलब इतने ज्यादा ही खुले विचार के हो गए थे कि इन्होंने अपने शास्त्रों को एकदम गिव अप कर दिया इन्होंने गिव अप कर दिया कि हमें नहीं पढ़ना अपने बकवास ग्रंथों को इन्होंने बोला कि हम तो पढ़ेंगे होमर के इलियाड को ये लोग क्या करते थे ये लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते थे ये लोग पढ़ते थे इलियाड ऑफ होमर ये क्या है होमर एक बहुत ही पुराने ऑथर हैं ग्रीक ऑथर इनका लिखा हुआ एक पोयम है जिसके अंदर वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है और इसी पोयम को बोलते हैं इलियाट होमर एक ग्रीक ऑथर उनका एक पोयम इलियाट जिसके अंदर वॉर के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो जहां पे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए रेसिटेशन करना चाहिए ये डिरोजियंस इतने ज्यादा ही खुले विचार के हो गए थे कि इन्होंने होमर के लिखे हुए वो जो पोयम था इलियाट उसका रेसिटेशन करते थे मतलब पोयम का लाइन बाय लाइन ऐसे दोहराते रहते थे तो बहुत ही क्रांतिकारी माइंडसेट हो गया था बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी माइंडसेट हो गया था कि हमें तो भाई क्या बोलते हैं हमें अपने ग्रंथों पे विश्वास नहीं हमारे ग्रंथ एकदम बकवास है हम जो चाहे वो करेंगे इस तरीके का माइंडसेट आ गया था जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है और इसी के कारण हिंदू कॉलेज से डेरोजियो को निकाल दिया गया कि डेरोजियो को बोला गया कि देखिए आपके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं और इसका मतलब है कि आपने ही भड़काया होगा और इसलिए डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया निकालने के बाद कुछ ही एक साल के अंदर अंदर डिरोजियो की मौत भी हो जाती है ट्वेंटी थ्री ईयर्स के एज में डिरोजियो लुई हेनरी विव्यान डिरोजियो एक एंग्लो इंडियन थे थे तो अंग्रेज लेकिन रहते थे इंडिया में ये अपने ही टाइम से बहुत ही बचपन से रोमांटिक पोइट्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे असिस्टेंट टीचर के रूप में ज्वाइन किया था हिंदू कॉलेज एटीन ट्वेंटी सिक्स में और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया था इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था टू थिंक फ्रीली टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटीज़ सोचो हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो ये सारी बातें डिरोजियो कहते रहते थे उनके टाइम के बहुत ही फेमस फिलोजॉफर्स जैसे कि जॉन लॉक एओ ह्यूम टॉम पेन इन सब की जितनी भी राइटिंग्स थी इसको पढ़ पढ़ के डिरोजियो के अंदर भी वो कैरेक्टर घुसाया था बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल बातें वो कहा करते थे और डिरोजियो ने डिबेटिंग सोसाइटी फॉर्म किया जिसका नाम था अकेडमिक एसोसिएशन एटीन में जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोग आए टिचर्स कस्टम्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी आइडल्ट्री इन सब मुद्दे पर अपना ओपिनियन रखें डिरोजियो के स्टूडेंट्स को हम डिरोजियंस या, या यंग बंगाल भी बोलते हैं अच्छा भाई देते ये पॉइंट मेरा छूट गया इन यंग बंगाल या डिरोजियंस ने मिलकर के एक मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम था पार्थेनन तो एग्जाम में आ सकता है कि यंग बंगाल ने कौन सा मैगजीन पब्लिश करना शुरू कर दिया था पार्थन जिसमें बेसिकली इन्हीं सब मुद्दों के बारे में लिखा जाता था मैगजीन के अंदर इन्हीं सब मुद्दों के बारे में छापा जाता था एटीन में और यंग बंगाल या डेरोजियंस जो थे बेसिकली जो हिंदू स्टूडेंट्स थे इन्होंने अपना जो है धर्म को गलत बताना शुरू कर दिया धर्म के पीछे जब लॉजिक ढूंढते थे और लॉजिक नहीं मिलता था तो धर्म बेकार है हमारा मतलब एक होता है ना फॉलो करना और एक होता है बुराई करना तो ये लोग बेसिकली खुलेआम बुराई कर रहे थे इनको जहाँ शास्त्रों का उच्चारण करना चाहिए ये इलियाड ऑफ होमर पढ़ रहे थे ये बहुत ही ओपनली चिल्ला चिल्ला के ब्राह्मण्स को चिल्ला चिल्ला के बोला करते थे कि हम तो भाई गाय माता का मीट खाते हैं ये इस तरीके का बहुत ही गंदा बोल सकते हो बिहेवियर हुआ करता था और इसके कारण डिरोजियो को फाइनली कॉलेज से निकाल दिया गया डिरोजियो का एक बहुत ही फेमस पोएम है जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स भी है हजार लाइंस का पोएम है समझ सकते हो हजार लाइंस का पोएम है इट्स अ वेरी बिग डील जिस पोएम का नाम है फकीर ऑफ झनगिरा एक पैट्रियोटिक पोएम है तो बहुत ही यूनिक इसलिए है ये जिक्र उठाना जरूरी इसलिए है क्योंकि डिरोजियो इंडियन नहीं थे एंग्लो इंडियन थे तो जन्म तो उनका इंडिया में हुआ था लेकिन वो असलियत में तो इंडियन नहीं थे ना लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पोयम फकीर ऑफ झनगिरा के अंदर भारत माता के लिए बहुत प्यार दर्शाया एक अंग्रेज भारत माता को मदर इंडिया मतलब इंडिया जो कि एक कंट्री है जो कि बेसिकली अंग्रेज रूल कर रहे हैं जिसके ऊपर इसके प्रति इतना प्यार दिखाया बहुत ही बड़ी बात है ठीक है तो इसमें बहुत ही पैट्रियोटिक पोएम है भारत माता के बारे में अपना प्रेम इन्होंने अपना लव इन्होंने इस पोएम में दिखाया है इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बस एक ही बात बोला और ये बात मैं डिरोजियो के थ्रू तुम लोगों को को भी बोलना चाहती हूँ और खुद को भी बोलना चाहती हूँ इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया है टू लिव एंड डाई फॉर ट्रुथ सच के लिए जिंदा रहना है तो जियेंगे नहीं तो अगर मौका आया कि हमें भाई सच के लिए मर जाना हो तो हम मर भी जाएंगे इसका मतलब ये सिंपल है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे हम ये नहीं सोचेंगे कि यार झूठ बोल लेते हैं सो लेट अस सरवाइव एंड टेल लाइज नो अगर सच बोलने के लिए मरना भी पड़े ना तो मर जाएंगे दिस इज वॉट वॉज सेट टू बाई डी रोजियो टू ऑल स्टूडेंट्स उनके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पंप्ट हो जाते थे ये सारी बातों को सुनने के बाद कुछ उनके फेमस स्टूडेंट्स में से आ, नाम में जिक्र उठा रहे हैं कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय रशिक चंद्र मलिक राम गोपाल घोष एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अगर एक मार्क्स में आया तो मैं कैसे लिखती मैं बता रही हूं अगर एक मार्क्स में आया कि वॉट डू यू मीन बाई यंग बेंगोल तो हम लोग देखेंगे यंग बंगाल आर द स्टूडेंट्स ऑफ लुई हेनरी विव्यान डेरोजियो सम फेमस स्टूडेंट्स ऑफ डेरोजियो आर मतलब होता है ना किसी किसी टीचर के बहुत ही दिल के करीब वाले स्टूडेंट्स होते हैं कि यार ये तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है हर टीचर के दिमाग में कोई ना कोई फेवरेट स्टूडेंट होता ही है तो डेरोजियो के भी जो फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक रहे हैं वह है कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय ऋषिक चंद्र मलिक राम गोपाल घोष ठीक है आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प एंड इट मोटिवेटेड यू एज वेल डिरोजो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ में से एक रहे हैं काफ़ी कम उम्र में इनका जान चला जाता है लेकिन अल्टीमेटली जो इन्होंने शिक्षा दी उसका कभी एंड नहीं हो सकता ऐसे हम सबको बनना चाहिए अगर आप में से बहुत सारे लोग टीचर बनने का सोच रहे हो तो ये सारे बातों को आपके दिमाग में आपको रखना होगा कि एक स्टूडेंट को आप ये फील कराएं कि हर चीज़ के पीछे वो लॉजिक ढूंढेगा और हर चीज़ के पीछे का लॉजिक एग्जिस्ट करता है बस हमें ढूंढना होगा हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है हमें समझना होगा ठीक है सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग यंग बंगाल मूवमेंट को देखेंगे कि उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया के सोसाइटी के अंदर एंड उसके क्या क्या फेलियर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों यंग बंगाल मूवमेंट बहुत ही बड़ा फेलियर रहा दैट